हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोस्टार एकेडमी। देखिए, आप सभी को पता होगा जेई मेंस का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है 2024 का, और जो भी कट ऑफ वगैरह है वो आपके सामने है। आप लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लियो कि मैं यहाँ पे एक बार आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, हर एक कैटेगरी की जो भी यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ वगैरह है वो परसेंटाइल में इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद लगभग मान के चलिए कि लगभग 2.5 लाख बच्चे यहाँ पे इसको पास करते हैं या फिर यहाँ पे आगे फॉरवर्ड होते हैं जेई एडवांस के लिए। ठीक है, जितने भी ये बच्चे हैं, इस 2.5 लाख बच्चे में से भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो जेई एडवांस का एग्जाम नहीं देते हैं। उनका रीजन सिंपल सा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 14th में होते हैं। जेई एडवांस का एग्जाम ओनली आप 12th के बाद 13th तक दे सकते हो, इसके बाद आप जेई एडवांस के लिए एप्लीकेबल नहीं रहते हो। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना 75% का क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते, कुछ 20 टॉप 20% जो भी होता है उसको पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसके रिगार्डिंग काफी बच्चे यहाँ से आउट हो जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आप जेई मेंस के बेस पे ही अपना कॉलेज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जैक दिल्ली काउंसलिंग को। अब जैक, मैं ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको सारी काउंसलिंग के बारे में बता दूं, हालांकि मुझे पता है कि इस टाइम पे जो बच्चों का माइंड सेट होता है वो इतना ज्यादा डाइवर्ट, मतलब डाइवर्ट होता है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें अपनी रैंक पर जो उनकी रैंक आ रही है, चाहे वो 50,000 हो, 40,000 हो, 20,000 हो, जो भी रैंक हो, या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इस तरीके की जब रैंक आती है तो उनको समझ नहीं आता है कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है या उनकी जो रैंक है उस पर वो कौन सी ब्रांच उनको यहाँ पे मिल सकती है। तो वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एक तरफ उन्हें लगता है कि यार कुछ तो मिल ही जाएगा, फिर लगता है कि यार इतनी ज्यादा रैंक होने के बावजूद मुझे क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है काउंसलिंग का। यदि आपने काउंसलिंग अच्छी तरीके से की, ठीक है, आपको ये पता है कि किस काउंसलिंग में मुझे नहीं बैठना है, ये तो सबको पता है कि काउंसलिंग में बैठना है, लेकिन आपको ये पता चल गया जिस दिन कि मुझे इस काउंसलिंग में नहीं बैठना है, तो आप अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट, ठीक है, उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं एक अच्छी ब्रांच और कॉलेज में एडमिशन ले जाओगे। ठीक है, आपने हर किसी में जो भी काउंसलिंग देखा, हर किसी को समझ लिया कि हाँ मुझे तो इसमें अप्लाई करना ही है, तो फिर आपका पैसे की बर्बादी होगी, टाइम की बर्बादी होगी। ठीक है, तो उसी में से एक काउंसलिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो है जैक दिल्ली काउंसलिंग। अब जैक दिल्ली काउंसलिंग आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, ये सब आपको जैसे वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, और इसके अलावा जितनी भी काउंसलिंग है सबके बारे में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जितने भी नए कैंडिडेट आए, नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस नाइन स्टार फैमिली का एक मेंबर आप भी बन सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैक दिल्ली के अंडर 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से आपका NSUT हो गया, ठीक है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया आपका, उसके अलावा आपका IGTUW, ठीक है, जो कि IGDTUW है, ये स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ये ओनली वुमेन के लिए है, तो इसमें मेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके अलावा आपका IIITD, उसके अलावा DSEU, ठीक है, ये 5 कॉलेज हैं, जिसमें से 4 कॉलेज हो गए मेल फीमेल दोनों के लिए, 1, 2, 3 और 4, और ये कॉलेज है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस तरीके से, और इनमें से जो टॉप, मतलब कि ये आप स्टार्टिंग के चारों कॉलेज ये आप देख रहे हो, जो ये आपको मतलब किसी भी तरीके से काउंसलिंग करते समय आपको मिल जाता है, फिर इसमें से चाहे आपको एक लो ब्रांच भी मिल रही है जिसको आप प्रिफेयर नहीं कर रहे थे, तब भी आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर जाओगे यदि आपकी रैंक उस लायक नहीं थी। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इन डिटेल क्या क्राइटेरिया है, मैं आपको क्या क्या चीजें कवर अप करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैक दिल्ली काउंसलिंग है क्या, ठीक है, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड क्या है, आपके 12th में कितने मार्क्स चाहिए, यहाँ पर जेई मेंस की जो रैंक वगैरह है वो किस रैंक तक आपको कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ एज क्राइटेरिया भी होता है काफी जगह, और जैक रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चीजें होंगी, डेट वगैरह हर चीज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वाला जो ये फैक्टर है, ये आप मान के चलिए जैक दिल्ली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यही डिसाइड करके देगा। आपको पता होगा कि 85% जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन है वो दिल्ली वालों के लिए है, ठीक है, मात्र 15% जो रिजर्वेशन है वो आउटसाइड ऑफ दिल्ली के लिए, जितने भी आउटसाइड स्टेट है उनके लिए 15% रिजर्वेशन है, और 85% रिजर्वेशन दिल्ली के बच्चों के लिए है। अब दिल्ली के बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैदा दिल्ली में हुए हों, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने जो अपनी 12th है, 12th क्लास आपने दिल्ली बोर्ड से की हुई है, डेफिनेटली आप यहाँ के एक मतलब की कैंडिडेट माने जाओगे, लेकिन उसकी कुछ और शर्तें हैं वो मैं आपको आने वाले समय में अभी जस्ट बता दूंगा, जैसे मैं इसका प्रोसीजर बताऊंगा। उसके साथ साथ हम कवर करेंगे यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, जैक दिल्ली का जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो क्या है, रिजर्वेशन किस तरीके से मिलता है, कैटेगरी वाइज किस तरीके से मिलता है, काफी सारी कैटेगरीज होती है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद जैक दिल्ली से रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि आपको एक सिंगल वीडियो भी देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा अपना, मैं जो भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर आप मुझे बताना यदि आपको ये वीडियो पूरा ऑथेंटिक या फिर आपको बिल्कुल समझ पूर्ण लगे,
तब आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप तब तक सब्सक्राइब भी मत करना। जैक डेली का सीट मैट्रिक्स क्या है वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि ये क्या क्या कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अंदर जो आपको बीटेक के लिए यहाँ पे जितनी भी सीट्स अवेलेबल होती हैं वो आपके सामने है यहाँ पे 6,666 सीट्स, ठीक है। जिसमें से आपके ये हो गई इंजीनियरिंग के लिए, और बीआर के लिए यदि मैं बात करूँ यहाँ पे 90 सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सीट मैट्रिक्स है इनका, जो भी सीट अवेलेबल है इनके पास। उसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज है या फिर हर एक कॉलेज के बारे में मैं इंडिविजुअली आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको कुछ डेट वगैरह बता देता हूँ, आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि डेट पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, और फीस वगैरह कितनी है वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। डेट के लिए अभी हम जस्ट बात करेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको इस काउंसलिंग में बैठना वर्थ इट है या नहीं, किस रैंक तक आपको इसमें बैठना चाहिए या फिर नहीं। पहले पूरा मैं समझ लेते हैं कि इन पांचों कॉलेजों का क्या क्या सिस्टम है, क्या फिर यहाँ पे फैसिलिटीज है, या फिर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो और उसके अलावा यदि कैंडिडेट, हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया और आप इस काउंसलिंग में बैठते हो तो आप लोग एक चीज याद रखना, यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया है तो आप लोग फर्स्ट स्टेप में नहीं बैठे हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप इसमें अगेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सेकंड राउंड में। फिर आपको सीधे थर्ड राउंड में ही एज ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या तो आप फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लो, फर्स्ट राउंड में आप नहीं कर पाए तो फिर सीधा आपको थर्ड राउंड में ही करना पड़ेगा, सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं कर सकते। और उसके अलावा एक चीज ये याद रखना, जब आप थर्ड राउंड में आओगे और जो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका होगा, चाहे आपसे भी कम रैंक हो उनकी, तो उनको वो सीट फिक्स कर दी जाएगी। आप वहां पे दावा नहीं कर सकते कि मेरी इससे अच्छी रैंक है, मुझे ये कॉलेज क्यों नहीं मिला, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ₹1500 फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, ये पेमेंट आपको एक बार दे दिया तो वो ट्रांजेक्शन फीस है, ये दोबारा से आपको नहीं मिलेगी, ये रजिस्ट्रेशन फीस एक तरीके से। और जो काउंसलिंग फीस है, जो सीट आपके अलॉटमेंट वाली फीस है, वो अलग है, वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो पार्टिसिपेट कर मतलब पार्टिसिपेटिंग किस तरीके से यूनिवर्सिटीज का क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। जो NSUT है, ठीक है, जो काफी ज्यादा रेपुटेटेड कॉलेज है, ये ऑलमोस्ट पांचों कॉलेज ही अच्छे कॉलेज है, इनमें से आपको कोई भी रैंक या कोई भी ब्रांच या फिर कॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ, देखिए NSUT में आपको बीटेक बीआर दोनों कराया जाता है, और DTU में ओनली बीटेक होता है, और जो आपका ये IGDTUW जो स्पेशली वुमेन्स के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है स्पेशली, इसमें आपका बीटेक डुअल डिग्री यानी कि बीटेक और MBA दोनों एक साथ कराया जाता है, जो कि 6 ईयर का कोर्स हो जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और उसी के साथ साथ 5 ईयर का BR भी यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। BR 5 ईयर का होता है, BTech 4 ईयर का होता है, और यदि डुअल करते हो BTech के साथ साथ यहाँ पे MBA भी करते हो तो 6 ईयर का ये हो जाता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज IGDTUW प्रोवाइड कराता है। आप ये मान के चलिए यदि किसी भी फीमेल कैंडिडेट का इसमें नंबर आ जाता है तो उसके लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। उसके साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो भी है आपका IIIT यानी कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली है, इसमें ओनली बीटेक कराया जाता है, ठीक है, इसमें ओनली बीटेक होता है। अगेन दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU, इसमें भी बीटेक कराया जाता है, ठीक है। तो अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे कोई भी चीज यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, जो भी चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये इनके कुछ कोर्स वगैरह है किस तरीके से कराए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, और आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा जैसे ही टाइम बचेगा, तो इस सब के बारे में हम और बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं यहाँ पे जो भी फर्स्ट कॉलेज आता है आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT, ठीक है, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है अपने आप में, और काफी अच्छा कॉलेज है, जो कि आपका ये कॉलेज 1983 से एस्टेब्लिश्ड है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं 145 एकड़ में कॉलेज फैला हुआ है, काफी अच्छा मतलब कैंपस वगैरह सब कुछ एकदम मस्त तरीके से बना हुआ है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। और उसी के साथ मैं बता दूं ये जो भी NSUT है यहाँ पे जो ये मतलब एक्सपेंड कर दिया गया है, ये NSUT जो कॉलेज है ये 2020 में इसके दो कैंपस और बने यहाँ पे, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा मतलब अभी कम इतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन जो NSUT की मेन ब्रांच है वो काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा पुराना है, और वहां पे जो भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा जस्ट जैसे आप मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है। तो ये पूरा आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जो भी ब्राउचर है ये मैं आपको शेड्यूल जितना भी है इनका मैं ये आपको लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको पूरा इन डिटेल पढ़ सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि पूरा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। जैक डेली के रिगार्डिंग मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 फैकल्टीज आती है, टोटल 8 फैकल्टीज के अंदर यहाँ पे जितने भी लगभग 8 फैकल्टीज के अंदर यहाँ पे 18 डिपार्टमेंट है। 18 डिपार्टमेंट किस तरीके से, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मेन कैंपस में, जो कि एक इसका ईस्ट कैंपस में भी है,
उसी के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेन कैंपस में है एंड यहाँ पे ईस्ट कैंपस में है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ पे ब्रांच वगैरह है यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे, जो भी अच्छी अच्छी ब्रांच होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल हुआ, आपका जो भी आईटी से रिलेटेड जितने भी है वो यहाँ पे सभी है, मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो, हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। और रिसर्च के बारे में तो आप पूछो ही मत कि रिसर्च के मामले में देखिए कॉलेज, यदि आप लोगों को इस तरीके के कॉलेज मिल जाते हैं आईआईटी के बाद जो कॉलेज आने वाले होते हैं वो इन्हीं कॉलेजों का नंबर आता है, आईआईटी का एनआईटी हो गया, एनआईटी के जितने ही ये कॉलेज वैल्यू रखते हैं, एनआईटी से बिल्कुल भी कम नहीं है। आप ये मत समझना कि ये एनआईटी नाम नहीं रखा गया तो क्या एनआईटी से कम होगा, बिल्कुल टक्कर के कॉलेज है। इवन कुछ एनआईटी के बहुत सारे एनआईटी ऐसे हैं जिनसे तो ये काफी बेस्ट है, और कुछ एनआईटी के जो टॉप वाली है उनके लेवल के हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है तो रिसर्च के मामले में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं है, हर एक फील्ड में आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है, और यही सब चीजें यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की लाइफ आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बस वहाँ पे एक तरीके से एक प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है, बाकी करियर से रिलेटेड इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। और थोड़ा आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो और ज्यादा चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, जो कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इसी से अंदाजा लगा पाओगे, यानी पास्ट में लगभग 8 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनको यहाँ पे 1.25 यानी कि 1.25 करोड़ का ऑफर किया गया है। ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं है कि हम बोल दें कि हाइएस्ट पैकेज इतना चला गया, 8 बच्चों के लिए ये पैकेज ऑफर हुआ है, ठीक है। और बाकी आप बात करोगे एवरेज वगैरह, ये काफी ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ से 1 और 3 यूपीएससी में भी एस्पिरेंट्स ने रैंक निकाली हुई है, 1st और 3 रैंक इस कॉलेज से रैंक निकली हुई है यूपीएससी में भी, ठीक है। तो इस सबसे आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि यहाँ का जो कल्चर है, इन्वायरमेंट है, माहौल है वो किस तरीके का है स्टडी को लेकर। हॉस्टल वगैरह के लिए बात करो तो यहाँ पे 4 हॉस्टल आपके बॉयज के लिए है और 2 हॉस्टल यहाँ पे गर्ल्स के लिए है, ओवरऑल 6 हॉस्टल्स है, जो कि थोड़ा कम है हॉस्टल के मामले में। यहाँ पे हर एक हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो 270 के समथिंग है, ठीक है, यानी कि 270 बच्चे एक हॉस्टल में आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लगा लेना 1200-1300 के समथिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स रह सकते हैं इन कैंपस यानी कि हॉस्टल में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उसके अलावा जो भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बचते हैं वो मैंने आपको बता दिया इसमें, और बाकी आप चाहते हो कि मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊं एनएसयूटी पर तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। इवन इस 5 कॉलेज में से जिसमें भी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए मुझे आप बता देना, मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ जाऊंगा। उसके बाद आता है आपका डीटीयू, ठीक है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अब जो ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, ये प्लेसमेंट की बात करो या फिर आप इसे जो भी ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है या फिर ये जो जैक दिल्ली के अंडर में आया, ये सबसे पहला कॉलेज है जो कि 2009 में ही इसके अंडर में ये आया हुआ है, Act 6 of 2009, ठीक है। तो इस कॉलेज के रिगार्डिंग यदि मैं आपको बताऊं, यदि आपको एक कोर ब्रांच चाहिए, कोर ब्रांच के साथ साथ यदि आपको इसकी रैंकिंग वगैरह देखो तो सबसे बेस्ट है फिलहाल, ठीक है। तो ये 5 में से यदि आप कंपेयर करोगे तो जो डीटीयू है ये आपका मतलब रिसर्च को तो आप छोटी सी रिसर्च के मामले में जाओ तो आपके लिए फिर तो ये एनएसयूटी वगैरह या फिर ट्रिपल आईटीडी वगैरह बेस्ट है। और यदि आप बात करो कॉलेज लाइफ या कैंपस लाइफ के लिए, रैंकिंग के लिए, ठीक है, तो इस समय ये बेस्ट है आपके लिए डीटीयू। इसके लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटीज है, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट मेंशन कर रखे हैं वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप देख रहे होंगे कि ये एक्रीडिएटेड विद ए ग्रेड बाई नैक, ठीक है। अभी नैक क्या है मैं आपको बता दूं, ये एक मतलब एजेंसी होती है एक तरीके से जो कि कॉलेज वगैरह को रेटिंग करते हैं, जो भी कॉलेज के अंदर क्या कोर्स चल रहा है, क्या फैसिलिटीज है, क्या यहाँ पे मतलब पूरा फंडामेंटल देखा जाता है, पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ये रेटिंग करते हैं किसी भी कॉलेज को। तो नैक के भरोसे आप इतना मत चले जाना कि नैक को देख के आप एडमिशन ले लो, ये एक फंडामेंटल होता है लेकिन इतना खास ये मतलब इम्पैक्ट नहीं डालता है। मैं आपको बता दूं, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इस कॉलेज के लिए इन्होंने ए ग्रेड दिया हुआ है, लेकिन मैंने काफी ज्यादा प्राइवेट कॉलेज ऐसे देखे हुए जिनको नैक के थ्रू एनएएसी के थ्रू उनको A+ मिला हुआ है। सोचिए आपकी उनका कंपेरिजन अगर नैक ने उनसे भी आगे कर दिया, तो अब गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में काफी अंतर होता है आपको ऑलरेडी पता है, और इस तरीके के कॉलेज में तो डेफिनेटली काफी ज्यादा अंतर होता है। तो ये रैंकिंग वगैरह किस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि इनका मतलब कि इस तरीके से रैंकिंग देनी चाहिए। अब पता नहीं उनकी किस तरीके से वहां पे आगमन किया जाता है, जो भी रहा होगा उनका मैटर, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इस रैंक के मतलब बेस पे आप लोग जज मत करना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग ये 164 एकड़ में बना हुआ है, और इसमें आप लोगों के लिए 16 ब्लॉक बने हुए हैं, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं 16 बिल्डिंग्स हैं जिनमें क्लास वगैरह आपकी चल रही होती है, ठीक है। तो ये सारा इसका अंदर का मामला है। और उसके अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा काम किया जाता है, लगभग आपके 57 एक्टिविटीज यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे स्टार्टअप चल रहे हैं 57, जिनके लिए यहाँ पे फंड वगैरह आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 करोड़ तक का फंड यहाँ पे दिया जाता है फ्रॉम DST के थ्रू। तो ये सब चीजों के लिए ये जो भी कॉलेज वगैरह है काफी बेस्ट होते हैं। और यहाँ पे 9 बॉयज हॉस्टल है, 3 गर्ल्स हॉस्टल है,
ओवरऑल यहाँ पे 1614 बॉयज रह सकते हैं और 800 गर्ल्स रह सकती हैं, उसके एनएसयूटी के कंपैरिजन में ज्यादा बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, तो वाईफाई वगैरह इस सब की फैसिलिटी तो अब प्राइवेट कॉलेजों में भी होती है, ये तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे प्लेसमेंट काफी तगड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है प्लेसमेंट में बिल्कुल भी। आप लोग देख सकते हो कि मोर देन 315 कंपनी यहाँ पे विजिट करती है, जिनमें से उन्होंने ऑफर दिया है 2010 प्लस। ठीक है, तो 2000 से भी ज्यादा ऑफर्स बच्चों को मिले हैं यहाँ पे, और ये चीज आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो मतलब यहाँ पे पैकेज है, एवरेज पैकेज आप देख पा रहे होंगे कि 15 लाख का इनका एवरेज पैकेज है, और यहाँ पे 515 मोर देन जो भी बच्चे हैं, 515 से भी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे 20 लाख का पैकेज उठाया है। ठीक है, ये चीज आप देख पा रहे होंगे, और उसी के साथ साथ 877 ऑफर्स ऐसे हैं जो कि इनके पास 10 से 20 लाख की रेंज में आए हुए हैं। और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो जो कि डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में ही इंडियन कंपनी ने पैकेज दिया हुआ है 82.05 LPA। तो मैं हाईएस्ट पैकेज में कभी नहीं जाता, चाहे हाईएस्ट पैकेज आपका 5 करोड़ का हो, 7 करोड़ का, वो कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो आपका एवरेज पैकेज, और उससे भी कहीं ज्यादा मैटर करता है तो वो है मीडियन पैकेज। तो मीडियम पैकेज के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, तो मीडियम पैकेज भी मैं आपको बता दूंगा, एक अलग से मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा उसमें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं और ज्यादा खींचू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट जो होते हैं, फिर प्री फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले बच्चों को हाइएस्ट स्टाइपन मिल चुका है 2 लाख रुपए पर मंथ। स्टाइपन यानी कि जो इंटर्नशिप होती है उसमें स्टाइपन वगैरह दिया जाता है, वो भी 2 लाख पर मंथ, यानी कि आप मान लीजिए 24-25 लाख रुपए का पैकेज जितना स्टाइपन दिया जाता है इन कॉलेजों में। और यदि एवरेज स्टाइपन की आप बात करो तो वो 75,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज में आपका प्लेसमेंट भी नहीं लगता है 75,000 पर मंथ का, जो कि यहाँ पे स्टाइपन दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों के मामले में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं है, मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ वो आपको कम लगेगी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह का मैंने बता दिया, काफी अच्छा तगड़ा क्रेज रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो मैंने बोला था कि फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बेस्ट वरदान साबित होने वाला है, वो है IGDTUW, जो कि इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर वुमेन। ये ओनली वुमेन कैंडिडेट के लिए है, काफी तगड़ा कॉलेज है, इसमें मतलब फैसिलिटीज की आप बात करो तो सब कुछ मात दे देता है। आप यहाँ पे ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार फैसिलिटीज के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है जिस तरीके से ये कॉलेज यहाँ पे बनाया गया है बच्चों के लिए, यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए अलग से ये लोग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिनका आप सर्वर देखोगे DGX A100 GPU सर्वर। ठीक है, ये इंडिविजुअल बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें फ्रॉम NVIDIA विच हैज 8 नंबर ऑफ A100 GPUs लगा हुआ होता है, विद 40 GB मेमोरी पर GPU अलॉग विद 100 TB स्टोरेज। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके समझ में हो सकता है कि आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे या फिर जिनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे दी जा रही है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे और काफी ज्यादा लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सब प्रोवाइड कराया जाता है, मैटलैब हो गया, PTC हो गया, CRE हो गया, CATIA हो गया, ये ऑक्सीजन, ये सारे जो भी हैं ये पेड वर्जन वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन सबके सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी फ्री दिए जाते हैं, तो इन पे आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे लाइसेंस वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, सब आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, ये ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये चीज आप याद रखना। एक चीज आप देख रहे होंगे, आप NPTEL का आपने नाम सुना होगा, NPTEL बेसिकली कुछ 8 से 7 IITs होती हैं जो कि ये कोर्स कंडक्ट कराती हैं। तो इसका मैं अपने केस में बताऊं, मैं खुद हर साल 2 NPTEL के सर्टिफिकेट गेन करता हूं और मैं हर साल 2 से 3 NPTEL के एग्जाम देता हूं, जो कि मुझे हर एक एक कॉस्ट यानी कि इनका जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है एग्जाम देने की वही 1000 होती है। तो ये भी सब कुछ इनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो कि सिर्फ यहीं प्रोवाइड की जाती है, प्राइवेट कॉलेजों में ये सब चीज यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है। रिसर्च वगैरह की बात करो तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे रिसर्च में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, जो भी अमाउंट है वो सब करोड़ में दिखेगा। फंडिंग आप देख सकते हो कि 20 करोड़ की फंडिंग यहाँ पे प्रमोट स्पॉन्सर्ड रिसर्च में देख सकते हो, यहाँ पे 8.67 करोड़ इस तरीके की फंडिंग इनकी तरफ से आ रही होती है, ये सब चीज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्लेसमेंट आप देख सकते हो, प्लेसमेंट में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, 1029 ऑफर आए हैं जिसमें से 193 नंबर ऑफ कंपनीज ने विजिट किया है। हाईएस्ट पैकेज 82 LPA का है, और बात करूं CTC स्टूडेंट्स जो भी इंप्रेसिव यहाँ पे एवरेज पैकेज है, 20 लाख का एवरेज पैकेज है एवरी गर्ल्स के लिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी पीछे नहीं है प्लेसमेंट वगैरह के मामले में, रिसर्च से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो। और स्टाइपन वगैरह आप देख सकते हो, जो भी बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह करते हैं तो 1.6 लाख पर मंथ तक की स्टाइपन दी जा रही है, और एवरेज स्टाइपन की बात करें तो ये भी 64,000 से कम नहीं है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो, और यहाँ पे और अगेन देख सकते हो यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह की भी यहाँ पे फैसिलिटीज होती है। अप्रोक्सीमेट 50 स्टूडेंट्स गेट स्कॉलरशिप ऑफ वर्थ 25 लाख फ्रॉम जो भी यहाँ पे एक सरमन फाउंडेशन है USA में, वहां से 50 स्टूडेंट लगभग 25 लाख की स्कॉलरशिप यहाँ पे हर साल यहाँ पे ये गेन कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे इनको मिल रही होती है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा स्कॉलरशिप इनको मिल रही होती है। 100% ट्यूशन फीस यहाँ पे छूट दी जाती है यदि आपकी रैंक जेई मेंस में 5000 के अंडर में आती है तो। ठीक है, ये तो चलो कोई नहीं, 5000 रैंक आएगी तो फिर वो कहीं ना कहीं NIT बेस्ट NIT या फिर इस तरीके की चीजों को देखेगा, या फिर वो जेई एडवांस के लिए भी एलिजिबल होगा डेफिनेटली, और नहीं भी होगा तो वो फिर कुछ अच्छा NIT देखेगा।
तो मैं ये चीज चलो नहीं मान रहा एक बार को। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यदि आप लोग, ईडब्ल्यूएस के लिए 100% फीस माफ है यदि वो फर्स्ट रैंक होल्डर है बीटेक प्रोग्रामिंग इन ईच डिपार्टमेंट ऑफ अंडर ईडब्ल्यूएस। यदि आप ईडब्ल्यूएस में ही टॉप करते हो तब भी आपकी 100% फीस यहाँ पे माफ कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो था जो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल था कॉलेज उसके बारे में। और यदि मैंने अगेन बोला हुआ इन डिटेल रिसर्च चाहिए तो मुझे आप बता देना। उसके अलावा आपका आ जाता है IIITD, ठीक है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए भी हम लगातार बात कर लेते हैं, ठीक है, जितना भी बताने लायक है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए भी काफी अच्छे ज्यादा यहाँ पे मतलब रहा है सब कुछ, तो आपको मुझे नहीं लगता कि इसमें भी एडमिशन लेने में कोई तकलीफ होगी। तो सब कुछ अच्छा ही है बाकी कॉलेज की तरह ही, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए मैं लेके चलता हूँ, बाकी चीजें तो यहाँ पे भी ऐसी एज इट इज ही है जो मैंने आपको और 3 कॉलेज के बारे में बताया है। लगभग 150 से ज्यादा कंपनी यहाँ पे विजिट करती है जिनमें से 760 ऑफर आए हैं जिसमें से 606 फुल टाइम है और 156 यहाँ पे इंटर्न टाइप के है, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 इंटरनेशनल ऑफर्स भी आते हैं इनके पास। लगभग इतना आ जाता है एवरेज पैकेज इनका 25 लाख का, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि 25 LPA का एवरेज पैकेज है, ठीक है। और इनकी जो भी हाईएस्ट पैकेज है वो इनका 51 लाख गया। अब मैं आपको वही बताने वाला था कि जिस बंदे का मतलब किसी का लग रहा है 80 लाख का, 1 करोड़ का, 1.25 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, वही उनका जो एवरेज पैकेज है वो 20 से 18-20 लाख तक रहता है। और यहाँ आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज इनको 51 लाख का मिला है चाहे, लेकिन इनका जो एवरेज पैकेज है वो 25 लाख का एवरेज पैकेज है। और जो सबसे अच्छी बात है इन लोगों ने अपना ओवरऑल मीडियम सैलरी भी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। मीडियम सैलरी इनकी 18.5 18.5 लाख मीडियम सैलरी यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। मीडियम सैलरी क्या होती है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये पॉइंट हर कोई कॉलेज छुपा के रखता है, मीडियम सैलरी कोई भी कॉलेज नहीं बताता है, ठीक है, जो कि सबसे एक्यूरेट डेटा निकल के आता है वो मीडियम सैलरी से ही आता है। तो अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ फीस वगैरह के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे माफ कर दी जाती है। यदि आपके पेरेंट्स जो कि बहुत बिलो पॉवर्टी में आते हैं, आप बिल्कुल गरीब हो, आपकी जो भी इनकम है बहुत कम है, आप अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हो, तो आपकी 100% तक स्कॉलरशिप यहाँ पे माफ कर दी जाती है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के लिए जो वीकर सेक्शन वाले हैं, वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे लैपटॉप जैसी चीजें यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख लेना लैपटॉप वालों के लिए। तो ये भी यहाँ पे एक फैसिलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ यही IIITD फैसिलिटी देता है और कोई कॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप है जो कि आपके जेई मेंस के बेस पे 1000 के अंडर रैंक लेके आते हो तो आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप है। जेई मेंस की रैंक आपकी 1000 से 2000 के बीच में तब भी 50% तक। और उसी के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप के लिए काफी ज्यादा काम किया जाता है। यहाँ पे 90-100 टॉप 100 फीमेल स्टूडेंट होती हैं जो कि स्कोर लेके आती है अपना 95% मार्क्स एग्रीगेट इन 12th बोर्ड में, ठीक है। जो 12th बोर्ड में यदि आप लोगों ने दिल्ली से 12th बोर्ड किया है और आप 95% तक यहाँ पे आप अचीव कर लेते हो तो टॉप के जो 100 स्टूडेंट्स होंगे ओनली फीमेल कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप फ्री रखा गया है। सॉरी 100% तो नहीं है लेकिन टॉप 100 फीमेल स्कोर्स एग्जामिनेशन गेट एडमिशन फॉर, अच्छा उनको एडमिशन दे दिया जाता है यहाँ पे, वो और कोई क्राइटेरिया आपका नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ स्कॉलरशिप भी 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी, उसी के साथ आपको एडमिशन भी दे दिया जाएगा। फिर चाहे आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, आपको पता है कि जो एडमिशन होता है वो जेई मेंस के बेस पे होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अभी नहीं बताया, मैं अभी सब कुछ फीचर्स बताने में लग रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसकी क्या वैल्यू है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें पता है बस आपको ये जानना है कि किस तरीके से एडमिशन होना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट इसको स्विच करके आप जो लास्ट के 10 मिनट्स है वो आप देख सकते हो। हालांकि अब यहाँ तक आप आ चुके हो तो अब जस्ट एक कॉलेज बच्चा इसको भी आप देख लीजिए जिसका मैंने बताया था आपको, एक जो भी आपका ये है DSEU, ठीक है। तो इसमें क्या है DSEU में यहाँ पे कुछ खास डेटा है नहीं क्योंकि ये कॉलेज अभी जस्ट इनके साथ कोलिब्रेट किया है इसने, मतलब जो भी काउंसलिंग के थ्रू अभी मिलने लगा है। यहाँ पे ओनली बीटेक कराया जाता है जो कि 4 साल का कोर्स है। और यहाँ पे इनके जो भी है मेन लाइब्रेरीज है यहाँ पे लगभग 15 लाइब्रेरी के मामले में काफी अच्छा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पे एक चीज है बस SC ST PWD इनके लिए यहाँ पे 20% का यहाँ पे ट्यूशन फीस का मतलब माफ कर दिया जाता है जो भी बच्चे होते हैं इस कैटेगरी के। और उसके अलावा मोर देन 100 कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। डेटा इनके प्लेसमेंट वगैरह के बारे में इन्होंने उतना क्लियरली नहीं मेंशन कर रखा है, यदि आपको जानना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। हालांकि इन्होंने कुछ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज दिखा रखा है जो कि इनका 25 LPA का है हाईएस्ट पैकेज, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ज्यादा डेटा इन्होंने दिया नहीं है। तो अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं जो भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है उस सब के बारे में जिसके लिए आप यहाँ पे रुके हुए, ठीक है। तो काफी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आप देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एडमिशन आपको लेना है तो क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आपको रीजन पता होना चाहिए। रीजन क्या है कि 85% सीट यहाँ पे दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व है और उसी के साथ 15% सीट है जो वो आउटसाइड दिल्ली के लिए है, ठीक है। अब जो दिल्ली के अंडर आता है वो कौन बच्चे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है यहाँ पे। एक कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफाइंग
एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी हो वो आपका होना चाहिए, ये आपका दिल्ली से होना चाहिए, ठीक है, आप दिल्ली से पास आउट होने चाहिए तभी आप यहाँ पे दिल्ली रीजन के माने जाओगे। आउटसाइड के लिए मैं बता दूं जो भी कैंडिडेट है फिर चाहे वो दिल्ली का हो कहीं का भी हो, यदि उसने जो अपना 10th 12th इंस्टीट्यूट जो भी कुछ किया है लास्ट आपकी जो भी पास आउट हो आप वो आपका आउटसाइड दिल्ली से है तो आप आउटसाइड ही माने जाओगे यदि आपने दिल्ली से वो पास आउट नहीं किया है तो। ये सबसे बड़ा फैक्ट है यहाँ पे, आपने दिल्ली चाहे आप यूपी के हो बिहार के हो कहीं के भी हो आपने दिल्ली से अपना 10th 12th किया है तो आप यहाँ पे कंसीडर करे जाओगे दिल्ली के, ठीक है। आपको जो कोटा मिलेगा वो दिल्ली वाला मिलेगा, 85% में आप लोग आओगे। यदि आप अदर साइड अदर स्टेट के हो या फिर दिल्ली के हो और आपने अदर स्टेट से 12th किया है तो आप दिल्ली के कैंडिडेट नहीं कंसिडर होगे बिल्कुल भी, तो ये चीज अपने माइंड में आप बिठा लेना। और सिर्फ 12th करना ही कंपलसरी नहीं है, 12th करना ही मतलब आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसी के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट है जो कि आपको बनवाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा, वो सब चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। मतलब सर्टिफिकेट बेसिकली आपको कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो वो दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो जब भी आप वहाँ के माने जाओगे, उसके अलावा आपको मैं बता दूं बीटेक के लिए यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपका 12th में क्या परसेंटेज चाहिए, DTU, IGTUW, NSUT एंड DSEU इन चार कॉलेजों के लिए देख लो पहले बैकवर्ड, यानी कि अदर बैकवर्ड। ओबीसी के लिए आपको जो मार्क्स लेके आने होंगे 12th में वो 55%, SC ST के लिए 50 और जो भी डिफेंस से रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए 55 और जो भी PWD यानी कि जो भी पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको 50%, ठीक है, उनके लिए अलग से कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम जो एक कॉलेज है वो अपना खुद का क्राइटेरिया रखता है, वो है IIITD, ठीक है। IIITD का हम देख लेते हैं यहाँ पे, अदर बैकवर्ड के लिए 65, शेड्यूल कास्ट SC के लिए यहाँ पे 60 और यहाँ पे CW यानी कि डिफेंस के लिए 65, पर्सनल डिसेबिलिटी वालों बच्चों के लिए 65, ठीक है। तो एक चीज आप देख लो, और एज लिमिट की आप बात करूं यहाँ पे एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, नो मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हो सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन पॉलिसी में ना रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख सकते हो, SC वाले बच्चों के लिए 15%, ये रिजर्वेशन आप देख सकते हो क्योंकि इतना टाइम है नहीं जो मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, पूरा रिजर्वेशन आप पढ़ सकते हो यहाँ से। और 5% का जो कि डिफेंस वाले बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये एक कॉलेज है जो कि सिर्फ DTU है जो प्रोवाइड कराता है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, यदि आप मतलब अकेली लड़की हो या फिर इवन आप ट्विंस हो दो लड़कियां हो तब भी आप सिंगल गर्ल्स माने जाओगे तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है इजीली, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे एक और कॉलेज है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे हर एक मतलब ईच बीटेक प्रोग्राम हर एक बीटेक प्रोग्रामिंग में एक लड़की को ये लोग ले लेते हैं। अब जितने भी इनके पास प्रोग्रामिंग है जितने भी इनके पास बीटेक प्रोग्राम है उन सब में एक एक बच्चे को ले लेते हैं। और यही हम बात करें यहाँ पे IGTUW के लिए ये दो गर्ल्स को लेते हैं जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड होती है, तो ये फैसिलिटीज भी आपके लिए है जो गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ अलग से मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके लिए बात करूं मैं यहाँ पे सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सर्टिफिकेट्स का रिक्वायर्ड फॉर रिजर्वेशन सीट, ठीक है। यदि आपको सर्टिफिकेट के मामले में इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है क्योंकि SC ST OBC EWS CWPD KMSG ये काफी ज्यादा कैटेगरी है तो दिल्ली में अलग अलग तरीके से कंसिडर की जाती है। कुछ बच्चे होते हैं देखिए जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है यूपी में, मान लो वो SC कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर OBC में आ रहे हैं लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में वो कास्ट या फिर वो कैटेगरी वो जनरल में आती है तो आप जनरल ही कंसिडर किए जाओगे। और सपोज करो आप ओबीसी में आ रहे हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास कब का होना चाहिए वो भी सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट है आपका वो 1 जुलाई या उसके बाद 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा उसका फॉर्मेट आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, उस फॉर्मेट पे जो सिग्नेचर है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो एडिशनल मजिस्ट्रेट हो डिप्टी कमिश्नर हो इस तरीके की पोस्ट पे वो होना चाहिए, जो भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई है आप देख सकते हो वो, या फिर वो ए ग्रेड का कोई भी अधिकारी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों के आपके इन लोगों के सिग्नेचर है तभी वो वैलिड होगा, तो ये चीज आप लोग देख लेना तभी आप काउंसलिंग में एलिजिबल हो गए। इसी तरीके से जो द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशूड बाई रेस्पेक्टिव स्टेट रीजन इन विच द रिजर्वेशन इज बींग क्लेम्ड इन केस कैंडिडेट क्लेम द सीट रिजर्व फॉर दिल्ली रीजन कैटेगरी ही सी ब्रिंग SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड शुड हैव आल्सो पास्ड ही आर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल और इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यदि आपके पास सर्टिफिकेट भी है SC ST का उसके बाद जरूर ये नहीं है कि आपको तुरंत से वहां रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, उसी के साथ साथ आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ता भी होना चाहिए, 12th दिल्ली से पास आउट होना चाहिए या फिर कोई भी उन्होंने डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो दिल्ली से होना चाहिए तभी आपका जो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा।
और जो सिग्नेचर चाहिए वो ए ग्रेड के अधिकारी के, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट के ही सिग्नेचर चाहिए उस पर, ये नहीं है कि आप कहीं से भी इसको बनवा के ले आए। तो ये सारी चीजें आपको पता होना कंपलसरी है, ये चीजें नहीं पता रहेंगी तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ठीक है, यदि आप बात करो सेंट्रल सर्टिफिकेट इसके लिए, हाँ आप एक चीज और देखिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट ऑफ एनी सर्टिफिकेट इश्यूड स्टेटिंग एप्लीकेबिलिटी फॉर जॉब विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर एडमिशन। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनका सर्टिफिकेट वगैरह वो बनवा के रखते हैं, सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट उनका होता है तो वो वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा यदि उन्होंने कोई जॉब पर्पज वगैरह के लिए बनवाया है। तो वो जो बनेगा आपका वो लेटेस्ट वाला बनेगा और वो उसी के बच्चे के नाम से ही बनेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। और ये देख लीजिए, आप यहाँ पर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, ये चीज जो मैंने आपको अभी बोली थी, जो सर्टिफिकेट है इश्यूड आफ्टर 31 मार्च 2023। अब आप इसको 2023 कंसिडर मत करना ये, क्योंकि जो भी सिस्टम है, जो भी आपके सामने डेटा है, ये सारा डेटा जो अवेलेबल है, ये पूरा डेटा 2023 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये 2023 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है क्योंकि अभी तक इनका जो भी ब्राउचर है, टाइम टेबल है, वो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। अब वो 2023 की बात थी, इस बार 2024 की बात है, तो अगेन फिर भी वो 31 मार्च के बाद, यानी कि 1 अप्रैल या उसके बाद वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ओबीसी कैटेगरी इफ एंड ओनली इफ द कास्ट इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी इन द स्टेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। यदि देखिए आप क्लेम करना चाहते हो कि मैं मतलब कि ओबीसी कैटेगरी में आ रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी बोला था आप अदर स्टेट में ओबीसी में हो, लेकिन यदि आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो सेंट्रल लिस्ट है, उसमें आप नहीं आते हो तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसमें भी आपको ओबीसी में आना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, जो कि पर्सनल हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। अब जो ईडब्ल्यूएस का आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर आपको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आप एससी में काउंट नहीं होगे, एसटी में काउंट नहीं होगे, ओबीसी में काउंट नहीं होगे, ईडब्ल्यूएस का ही कोटा आप लोगों को मिलेगा। ये नहीं है कि आप एससी में भी हो, ईडब्ल्यूएस में हो, डबल कोटा लग जाए, तो रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन आपको नहीं दिया जाएगा, ये चीज आप याद रखना। और जो भी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो उनके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है, ये आप पढ़ लीजिए, आपकी जो फैमिली ग्रॉस इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का मतलब क्या होता है, सॉरी, जो आपकी फैमिली ग्रॉस इनकम का मतलब है कि जो फैमिली में आपकी पूरी टोटल इनकम आ रही है, जिस तरीके से भी आ रही हो, वो पर एनम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, यदि इससे ज्यादा है इनकम तो फिर आप इसमें कंसिडर नहीं किए जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ये नहीं है कि आप हर कोई ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट है जो कि आपको पता होना जरूरी है, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि आपको ईडब्ल्यूएस में आना है तो, और रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फुट एंड एवम नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड का एंड एवम इन नोटिफाइड या जो नोटिफाइड है म्यूनसिपल पार्टीज के थ्रू, तो भी आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। या फिर आपके पास प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड का एंड एवम इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनसिपल पार्टीज, और म्यूनसिपल पार्टीज के बाहर यदि 200 स्क्वायर यार्ड है तब भी आपको इस कैटेगरी के अंडर आप नहीं आओगे। तो ये सब चीजें आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, इसके लिए मैंने आपको ये सब चीजें यहाँ पे बता दी हैं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि लास्ट तक बच्चे रुके रहे होंगे, लेकिन जितने भी बच्चों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा डेफिनेटली उनको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ये कुछ इनके कोड है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, दिल्ली स्किल एंड ये इस यूनिवर्सिटी के लिए जो भी इनको प्रोग्रामिंग कोड दे रखे हैं, जैसे कि STGND, इसका CSE के लिए 5755, इस तरीके से इन्होंने कोड वर्ड अपना बनाया हुआ है, ये आप सब देख लेना, इस तरीके से कोड है इनके। और यहाँ पे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ब्रांच वगैरह देख लो, इनकी ब्रांच हो गई इधर, ये कोड जो अभी बताए थे इन्होंने, उस तरीके से यहाँ पे सीट मैट्रिक्स इन्होंने जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे कोड वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये सारा डेटा आप लोगों के सामने है, क्या क्या फैसिलिटीज ये लोग दे रहे हैं, और ये इनके कैटेगरी, ये इस पर्टिकुलर हर एक कॉलेज का जो भी यहाँ पे कोड वर्ड है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेंशन है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक कॉलेज का। ठीक है, तो ये 5 कॉलेज थे, इसमें से क्या क्या बेस्ट कॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार अगेन फिर से, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो। हालांकि मेरे नजरों में यदि आपको यहाँ पे मिलता है कॉलेज आपकी रैंक, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस रैंक तक आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, इसमें जो भी चीजें आप पढ़ लेना अपने से, ठीक है, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ बचा यहाँ पे बताने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ कौन कौन से पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, सबसे पहले जैक दिल्ली से आप रूबरू हो चुके हैं ऑलरेडी, जैक दिल्ली क्या करता है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है। रही बात इसकी डेट वगैरह की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए बच्चे ज्यादा परेशान होंगे तो फिर बाद में मुझसे ही बोलोगे डेट नहीं बताया। ठीक है, तो डेट पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे NSUT, इसको भी छोड़ो, देखिए कुछ इनके मतलब ये कट ऑफ वगैरह है, कट ऑफ के लिए मैं यदि आप चाहोगे तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप इतना टाइम है नहीं है कि मैं कट ऑफ को भी यहाँ पे डिस्कस कर सकूं, तो मैं आपके लिए सीधा सा जेक डेली का जो भी यहाँ पे
आपकी डेट वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको कब तक वेट करना है। देखिए यहाँ पे काफी बड़े बड़े अक्षर में आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि कब इनका सिस्टमेटिक कार्यक्रम चालू होने वाला है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर JAT 24 एडमिशन विल बी स्टार्ट आफ्टर 15 मई, यानी कि 15 मई 2024 के बाद इनकी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अब बस जस्ट कुछ और टाइम का वेट करिए, जितने भी काउंसलिंग है लगभग 15 मई के बाद स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जेट दिल्ली हो गया आपका, यूपी टेक हो गया, उसके अलावा जो भी और बहुत सारी हैं, जेट चंडीगढ़ काउंसलिंग है और अलग अलग तरह की काउंसलिंग है जिनके बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। अब इसके लिए हम बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप लोगों को जो भी ये जेट दिल्ली क्या होता है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड मैंने बता दिया 12th में क्या चाहिए, एज लिमिट है कोई यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। जैक जो भी इसका रजिस्ट्रेशन है प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी इनका शेड्यूल वगैरह रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि पिछले रिकॉर्ड के बेस पे मैं आपको बताऊं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस होता है वो आपका 15 मई के बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसके लिए भी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। जैक डेली रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है वो मैंने अच्छे से आपको बता दिया, चीफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने काफी हद तक आपको बता दिया है। तो ये जो भी पॉइंट है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, और अब जो बचता है आप लोगों के पास वो है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। देखिए ये नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा तो आप बस आपने मन में ठान लिया कि मुझे जेट दिल्ली में काउंसलिंग करनी है और मुझे एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए पहले कॉन्टेंट को इस तरीके से कंज्यूम करिए, आप पेन पेपर लेके बैठिए, पेन पेपर के साथ आप बैठोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा हासिल कर रहे होंगे। आप नोट करते जाइए कि आपके लिए क्या बेस्ट पॉइंट है, कहाँ से आपको कुछ अच्छा से देखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, वो जो भी आपका कुछ डेटा पॉइंट्स है उनको नोट करते रहिए। वो सब चीजें आप नोट करते रहोगे तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी, उससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि इस काउंसलिंग से मुझे ये चीजें क्लियर हुई है। आप जैसे ही कोई और काउंसलिंग का वीडियो देखते हो, कुछ भी चीजें देखते हो, तो वहां से आप कंपेयर करो फिर कि अच्छा यहाँ पे ये चीजें अब करेक्ट हुई है, पहले ये चीजें सही नहीं थी। तो वो चीजें जब आप इम्प्रूव करते रहोगे और अपने माइंड सेट में ऐसे कॉलेजों को रखते जाओ, जैसे मैंने 5 कॉलेज बताए, इनमें से आप अपने रैंक के हिसाब से जो भी है एक कॉलेज अपने माइंड में एक कॉलेज सेट कर लो और उसको आप मेंशन कर दो कि इस कॉलेज पे मेरी नजर है। फिर आपने कोई और काउंसलिंग देगी, डेट वगैरह को नोट करते रहो, इस पे मुझे कब रिमाइंडर करना है, मोबाइल में रिमाइंडर लगा के रखो कि कब क्या किस चीज की नीड पड़ने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि डेट ही निकल जाए आपको पता ही नहीं चले। क्योंकि अब ये जो काउंसलिंग का पूरा बवंडर है ये एक साथ आपके सर पे आके पड़ने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे एक्टिव हो जाइए कि कोई भी चीज आपसे छूट ना पाए यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी चीज यहाँ पे आपसे मिस आउट नहीं होनी चाहिए ताकि आप लोग बाद में ना पछताओ कि यार ये गलती नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ होता। और सच बता रहा हूँ काउंसलिंग ही एक ऐसी चीज है, आप मन में जो सोचते हो ना कि यार इतनी लाखों में रैंक है कैसे कॉलेज मिलेगा, फिर आपके मन में आता है कि यार चलो एक वीडियो डाल के देखता हूँ कि अंडर 5 लाख रैंक टॉप कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज, टॉप जेक डेली काउंसलिंग या फिर यूपी टेक काउंसलिंग या जो भी आप लोग और किसी काउंसलिंग के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, आप जेक डेली से कर रहे हो या फिर आप जो भी अभी सीसैप और जो सवाली काउंसलिंग स्टार्ट होंगी उनके थ्रू भी आप ढूंढ रहे होंगे, तो ये सब पॉसिबल होता है, लेकिन ये एक सिस्टोमेटिक तरीके से करोगे तब होता है। ये सिर्फ डालने से या देखने से मन बहला से चीजें नहीं होती हैं। तो फिर आप लोग यदि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आप लोग इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए, इस नाइन स्टार अकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए और इसका एक फैमिली मेंबर बन के रहिए। अभी तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, हो सकता है कि 15 मई के बाद हम भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए पेड जैसा कुछ लेके आ जाए, वहां पे मैं आपकी काउंसलिंग यानी कि आपको डायरेक्ट कॉल टू कॉल या फिर आपको जो भी चीजें हैं हम अपने हैंड से उनको हैंडल कर रहे हूँ, इस तरीके के भी प्रोग्राम हम आपके लिए कर सकते हैं। उसके लिए अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, आप लोग अभी तक जो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको एंजॉय करते रहिए, और आप जितना जल्द हो सके हमसे जुड़ जाइए। व्हाट्सअप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, मैं इसका एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड रहेगा, वहां पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। उसके लिए भी जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, यूपी स्कॉलरशिप के मैंने ग्रुप बनाया था, यूपी स्कॉलरशिप के वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, जो यूपी के बच्चे हैं मैंने काफी ज्यादा एक्टिव था इस टाइम पे, क्योंकि बच्चों को यूपी स्कॉलरशिप या फिर कोई भी स्कॉलरशिप मिलना काफी ज्यादा जरूरी होता है यदि वो एलिजिबल होते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ग्रुप बनाया था, उसके काफी ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए, बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना करते हुए हम इस वीडियो को यही एंड करेंगे, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।